हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, आप सबों को मेरी ओर से और आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य वचन बाइबल की ओर से क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी क्रिसमस। मेरे प्रियो, इस क्रिसमस प्रभु आपको और आपके परिवारों को ढेर सारा खुशियाँ दे, हर्ष दे, उमंग दे, आनंद दे, आशीष और बरकत से भर दे, अपनी अनुग्रह और महिमा अद्भुत रीति से आप सबों के जीवन में प्रकट करें, अपना प्यार और आशीर्वाद हमेशा के लिए आप सबों पर और आपके परिवार के एक एक सदस्यों पर भी बनाए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, आज ही के दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। हाँ, आज ही के दिन। और मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ था कि हम जीवन पाए। हाँ, किस लिए हुआ था? इसलिए हुआ था कि हम जीवन पाए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, जब आप पे रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय के उसका 23 पद के वचन को पढ़ेंगे तो ये वचन कहता है कि हम सब के सब पापी हैं, हम सबों ने पाप किया है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर अपने स्वरूप अपनी समानता में अपने हाथों से हमें राजा ढाला बनाया, उसको हम भूलकर पराए देवता के पीछे हो लिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जो कोई पराए देवता के पीछे हो जाता है, शैतान के हाथों में चला जाता है, पाप करता है, और पाप करने के कारण, पाप करने के चलते, पाप करने की वजह से उसके ऊपर श्राप पड़ जाता है और वह व्यक्ति नाश की ओर जाने लगता है, मृत्यु की ओर जाने लगता है। हालेलुया, मेरे प्रियो, फिर भी प्रभु हम सबों से अगम्य प्रेम करते थे। परमेश्वर हम सबों से बहुत प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे। यूहन्ना 3 अध्याय के 16 में लिखा है कि वो अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिए कि हम उसके ऊपर विश्वास करके नाश होने से बच सके। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ मेरे प्रियो, जो कोई प्रभु की ओर अपने मन को फिराएगा, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेगा, सच में वो नाश होने से बच जाएगा। जो कोई उस पर विश्वास करेगा, हाँ सच में वो कभी मृत्यु के स्वाद को नहीं चखेगा। आइए मेरे प्रियो, ये जानेंगे कि प्रभु का जन्म कहाँ और कैसे हुआ था। मेरे प्रियो, जब आप मत्ती 1 अध्याय के उसका 18 से 21 तक के वचन को देखेंगे, या लूका 1 अध्याय के उसका 26 से वचन को देखेंगे तो इसमें इस प्रकार से लिखा है कि बेतलहम में मरियम नाम की एक स्त्री थी, वो कुंवारी थी, विवाह नहीं हुआ था, हाँ याकूब से मंगनी हो चुका था। क्या होता है मेरे प्रियो, जिब्राइल सुलदूत मरियम के पास आते हैं और मरियम से कहते हैं कि मरियम, आप गर्भवती होगी और एक बालक को जन्म दोगे। मरियम कहती हैं, ये कैसे हो सकता है, मैं तो कुंवारी हूँ। स्वर्गदूत कहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हुआ है,
आप गर्भवती होगी, एक बालक को जन्म दोगी और उस बालक का नाम यीशु रखोगी। ऐसा बोल करके जिब्राइल सरदूत वहाँ से चले जाते हैं। मरियम गर्भवती होती है। इस बात की पाता लिखा है मेरे प्रियो कि यासूब को चल जाता है। जब यासूब जानते हैं कि मरियम गर्भवती है, लिखा है यासूब अच्छा पुरुष थे, वो मरियम को बदनाम नहीं करना चाहते थे, वो गुप्त में ही मरियम को छोड़ना चाहे। लिखा है कि जब छोड़ने के विचार यासूब के अंदर आया तो उनके सपने में स्वर्गदूत आया और यासूब से कहा कि मरियम को अपने यहाँ लाने में मत डर, वो पवित्र आत्मा से गर्भवती है, एक बालक को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। जब यासूब का आँख खुला, वो जागा, मरियम के पास गया और मरियम को अपने साथ लाया। उन लोगों को रहने के लिए कोई घर नहीं मिला, बहुत लोगों के द्वार को दरवाजा को खटखटाए, कोई अपने यहाँ नहीं रखा, उन लोगों को शरण नहीं दिया। लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म चरनी में हुआ। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, पूरे सृष्टि के पालनहार, तारणहार, सृजनहार हमारे लिए, हाँ हम सबों के लिए जगत में आए, चरनी में जन्म लिए। मेरे प्रियो, वो हम सबों से अगम्य प्रेम करते, बहुत प्यार करते हैं। आकाश के नीचे, धरती के ऊपर केवल उन्हीं का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। हम सब के सब पापी थे, फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह की दृष्टि हमारे ऊपर था, दया कृपा प्रभु था, करुणा की दृष्टि हमारे ऊपर था। ओ प्रभु यीशु मसीह को हमें दिया कि हम जीवन पाए। लिखा है मेरे प्रिय रोमियो 6 अध्याय के उसका 23 में कि प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जब आप यूहन्ना 5 अध्याय के 11 के वचन को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, हाँ परमेश्वर के पुत्र यीशु में जीवन है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो कोई प्रभु में आएगा, प्रभु से लिपटेगा, प्रभु के विधि नियमों को मानेगा, उसके सब आज्ञा को अपने हृदय में रखकर उसका पालन करेगा, उसकी इच्छा पर चलेगा, उसके भय में अपने जीवन को बिताएगा, सच में वो जीवन पाएगा, बहुत दायित्व का जीवन पाएगा। आइए मेरे प्रियो, सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति करेंगे। आइए हम प्रार्थना में चलें, प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं, संपूर्ण मन से, हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं, लाखों लाख कोटि कोटि प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, सारे प्राण आत्मा देह के साथ आदर सम्मान भी करते हैं, क्योंकि आप पे हाँ स्वर्ग और पृथ्वी के राजकुमार प्रभु यीशु मसीह आप पे हमारे लिए जगत में आए कि हम उद्धार पाए, जीवन पाए। धन्यवाद खुदा, सच में हाँ प्रभु यीशु मसीह, सच में आप हम सबों से बहुत प्रेम करते, बहुत प्यार करते हैं।
धन्यवाद खुदा, आप पे स्वर्ग के सुख विलासों को छोड़कर जगत में आए, हमें जीवन दिए, बहुत दायित्व का जीवन दिए। आपकी स्तुति हो प्रभु यीशु मसीह, आपकी महिमा हो, तारीफ हो। हाँ सच में प्रभु यीशु मसीह, आकाश के नीचे और धरती के ऊपर केवल आप ही का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, सुपर है। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड जीसस, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। मेरा फादर, मेरा अब्बा, आपका धन्यवाद करते हैं स्वर्ग का प्रभु। महिमा में महान प्रभु, स्तुतियों में वास करने वाला, स्वर्ग के ऊपर अति महान तेजोमय खुदा, खुदा यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। हाँ सच में प्रभु, आज का दिन हमारे लिए विशेष है। हाँ खुदा, हाँ नासरी, सच में आज का दिन हमारे लिए विशेष दिन है। धन्यवाद, आज का दिन तू हमें दिखाया, आज का दिन हमारे जीवन में तू जोड़ा, आज के सुबह का प्रकाश हमारे जीवन में उदय किया। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड जीसस, महिमा प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। हाँ होने दीजिए नासरी, जितने बच्चे नौजवान बड़े बुजुर्ग मसीह भाई बहन, हाँ जितने लोग इस जन इस प्रार्थना में शामिल हैं, उपस्थित हैं, रिसीव किए हैं, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, विश्वास के साथ ग्रहण भी करते हैं, उन सबों को प्रभु ढेरों खुशियाँ दीजिए, हर्ष आनंद दीजिए, उमंग दीजिए, आशीष बरकत से भर दीजिए। हाँ अद्भुत रीति से अपना अनुग्रह और महिमा सबों के जीवन में प्रकट कीजिए। हाँ प्रभु, अपना प्यार और आशीर्वाद सबों के ऊपर हमेशा के लिए, हाँ सदा सर्वदा के लिए बनाइए। धन्यवाद खुदा, सबों के जीवन में आपकी पवित्र उपस्थिति रहे। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड जीसस, सबों के, हाँ सबों के सर पर आपकी पैरा को आपसे मांगते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सबों के निकट, करीब, नजदीक, पास, समीप, हमेशा रहिए। हाँ प्रभु हमेशा रहिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हमें आपकी जरूरत है, हमारे जीवन में आइए। हाँ खुदा, हाँ प्रभु यीशु मसीह, हमें आपकी ज़रूरत है, हमारे जीवन में आइए, ताकि हमारा जीवन संवर जाए, सुंदर बन जाए, सज जाए। शायद अगर खुदा मदद कर। धन्यवाद करते हैं खुदा वन यीशु, स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए प्रभु, जितने जन इस प्रार्थना में शामिल हैं सबों को, सबों के परिवार के एक एक सदस्यों को भी, हाँ सबों के पूरी फैमिली को भी ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए, ढेरों खुशियाँ दीजिए प्रभु, सबों के जीवन में काम कीजिए, निकट रहकर चमत्कार कीजिए, आश्चर्य कर्मों को कीजिए, सुख शांति समृद्धियाँ सबों को दीजिए। अनुग्रह कर खुदा, अनुग्रह कर, दया कर, कृपा कर, प्रभुता कर लो डिसीज। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं, पढ़ाई करते हैं। आदर हो खुदा, आपका सम्मान हो, आपके बेस कीमती लहू की जय जयकार करते हैं, पवित्र लहू की जय जयकार करते हैं, मीठा मनोहर अद्भुत अनोखा चमत्कारी मंगल यीशु नाम को ऊंचा उठाते हैं और ऊंचा करते हैं। स्तुति हो प्रभु, महिमा हो प्रभु जी, तारीफ हो, बढ़ाई हो लोटे से, ये संस्था ने पा देते हैं, सहायता कीजिए प्रभु, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, कोई प्रभु जी मृत्यु की ओर जाने ना पाए, नाश की ओर जाने ना पाए, सबके सब जीवन पाए,
ना सोने से प्रभु जी बचे। प्रभु जो शैतान के हाथ में है उन सबों को शैतान के हाथ से छीन लीजिए। सकेती में सकेती से उधार कीजिए, कष्ट में समस्या उलझन कलेशों में है, बीमारी में है, दुख दर्द पीड़ा में है, शोक में है, विलाप में है, बाहर कीजिए। परीक्षा और मुसीबत में से बाहर निकालिए, संकट नामक महासागर से उपारिए, कर्जों से छुटकारा दीजिए, बंद गृह से प्रभु शैतान के बंधन बिड़िया जंजीरों से आजाद कीजिए। हाँ स्वतंत्र कीजिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह कर प्रभु आज के दिन खुदा सबों के लिए, हाँ सबों के लिए तू अपना उत्तम भंडार खोल दे और बहुतायत से सबों को तू वो सभी चीज़ें दे जिन चीज़ों की जरूरत है, आवश्यकता है। स्वर्ग के झरोखे, आकाश के झरोखे खोल और सबों के जॉब में, बिजनेस में, व्यापार खेती बाड़ी में, जो कुछ का कारोबार है उसमें आशीषें दे, कमाई में, रोजी रोटी आमदनी में आशीषें दे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड जीसस, एक एक बच्चा को ब्लेस कर, नौजवानों को ब्लेस कर, बड़े बुजुर्गों को ब्लेस कर, जितने इस प्रार्थना में शामिल हैं सबों को ब्लेस कर। बिखरे हुए परिवारों को समेट ले, टूटे हुए रिश्ता को जोड़ दे, वैवाहिक जीवन में हंसा दे, शुदा जीवन में जो प्रॉब्लम है, मनमुटाव है, झगड़ा है, गल्ला है, कलेश है, खत्म कर, दूरियां है खत्म कर, सारे उलझन को सुलझा दे, नफरत को प्रेम में बदल दे। अनुग्रह कीजिए खुदा, धन्यवाद करते आपकी स्तुति हो, खोई हुई खुशियाँ और आशीष सबों को तू दे। सबों के लिए प्रभु जी मार्ग खोल, उसमें स्थिर कर और सफलता दे। धन्यवाद करते खुदा, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, दया कृपा कर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, महिमा प्रशंसा करते हैं लॉर्ड जीसस, धन्यवाद करते हैं। दया कृपा प्रभु तक करुणा कीजिए खुदा, संभालिए, देखभाल कीजिए, देखरेख कीजिए, अपने आँखों के पुतली की नाई प्रभु परमेश्वर संभालिए, देखभाल कीजिए, देखरेख कीजिए, एक एक को प्रभु, हाँ सबों को आपके हाथों में देते हैं, सौंपते हैं, समर्पित करते हैं, ताकि सब के सब जीवितों के पृथ्वी पर जीवित रहे, जीवितों के उजियाला में चले। धन्यवाद करते हैं ज्योतियों के पिता, जीवित बलि सरों के गुलाब, आपकी स्तुति करते हैं मानवी, हमारे संग संग रहने वाले खुदा स्तुति करते हैं, महिमा प्रशंसा करते हैं। सहायता कीजिए प्रभु आज के दिन, सबों के ओठों को हंसी से भर दीजिए, अपना मुख का प्रकाश सबों के मुख पर चमकाइए, सबों के जीवन में आकर जीवन को खुशियों से भर दीजिए, आशीषों से प्रभु भर दीजिए। अनुग्रह कीजिए खुदा, धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, आदर और सम्मान करते हैं, धन्यवाद कि आप हमारी सुने प्रभु जी। जितने जन जितने लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं, जो कुछ भी आपसे चाहते हैं आप देने की कृपा करें, सबों के कामों में, कार्यों में सहायता मदद करें, उन्नति के लिए अगुवाई करें, हाँ बढ़ोतरी के लिए मार्गदर्शन करें। धन्यवाद करते हैं खुदा जी, आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, आदर और सम्मान करते हैं, आप हमारी सुने, उत्तर दिए प्रभु, अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए। लाखों लाख कोटि कोटि आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, महिमा प्रशंसा करते हैं, प्रार्थना विनती
आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते हैं और कहते हैं उद्धारकर्ता प्रभु, प्रभु यीशु मसीह। आमीन 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 लॉर्ड जीसस आमीन। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, रोज डेली, हाँ प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी करना, प्रभु आपको ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा, खुशियों से भरेगा। प्रभु के हजूरी में हाँ प्रभु से बातें करने के लिए, प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए अपने वक्त को बिताते हैं, कीमती समय को बिताते हैं। प्रभु आप पर अपना अनुग्रह की दृष्टि बनाए रखेगा, जब भी आप उसको पुकारेंगे अपने निकट पाएंगे। अगर आपके द्वारा कोई मन हाँ कोई अपना मन प्रभु की ओर फिराता है, अपने अंदर चेंज को बदलाव को लाता है और उधार पाता है, उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय है मेरे प्रियो, तो कमेंट के माध्यम से आप हमें दे सकते हैं, उसका उत्तर आपको मिलेगा। हम आपके कमेंटों को देखते हैं, आपका जो प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय होता है प्रभु की हजूरी में रखते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं। विश्वास कीजिए, उत्तर मिलेगा। लिखा है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आपका विश्वास प्रभु पर अटल है, आपके जीवन में प्रभु काम करेगा, हाँ जरूर करेगा। प्रभु आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की।